जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, जब खाना ठीक से नहीं पचता है तब अजीर्ण अपच होने लगती है। अजीर्ण के मुख्य लक्षण और कारण हैं मीठे का ज्यादा प्रयोग करना, बार बार खाते रहना, बासी खाने का सेवन करना, पानी कम पीना आदि। अजीर्ण के मुख्य लक्षण हैं खट्टी डकार आना, गैस बनना, पेट में दर्द, छाती में दर्द, जलन होना। लेकिन अब आपको अजीर्ण से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद समाधान में आज आपको बताए जा रहे हैं अजीर्ण से बचने के ऐसे तरीके जो आपको एक बार तो चौंका देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर एक, पपीते को छीलकर उसमें सेंधा नमक और पिसी हुई काली मिर्च बुरक कर सेवन करने से अजीर्ण ठीक हो जाता है। नंबर दो, नींबू को काटकर उसमें सेंधा नमक लगाकर चाटने से अपच और अजीर्ण से मुक्ति मिलती है। उपवास के दौरान कई बार अजीर्ण आना स्वाभाविक है, ऐसे में पानी में नींबू का रस घोलकर पीने से बहुत लाभ मिलता है। नंबर चार, मूली पर नमक और पिसी हुई काली मिर्च को बुरक कर खाने से खाना पच जाता है और अजीर्ण नहीं होता। नंबर पाँच, काली मिर्च तुलसी को खाना खाने के बाद सेवन करने से अजीर्ण की समस्या दूर होती है। नंबर छह, सिका हुआ जीरा, नमक और काली मिर्च को दही में डालकर सेवन करने से खाना जल्दी पच जाता है। नंबर सात, एक गिलास नारंगी के रस का सेवन करने से अपच की दिक्कत दूर हो जाती है। नंबर आठ, सेंधा नमक को एक चम्मच पिसी अजवाइन में मिलाकर खाली पेट पीने से कभी भी अजीर्ण नहीं होगा। नंबर नौ, अमरूद काटकर उसमें काला नमक मिलाकर खाने से अपच की समस्या नहीं होती है। नंबर दस, आधा कप पानी में दो लौंग डालकर इसे उबाल लें और फिर उसे ठंडा होने दें। नित्य दिन में तीन बार इस पानी का सेवन करें, जरूर लाभ मिलेगा। नंबर 11, फूलगोभी का रस और गाजर का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से थोड़े ही दिनों में अपच की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 12, खट्टी दकार आने पर आप आधे गिलास पानी में एक नींबू निचोड़ कर चीनी मिलाकर पीने से आपकी खट्टी दकार आना बंद हो जाएगी। नंबर 13, एक गिलास पानी में दो चम्मच जीरा डालकर उसे उबाल लें और उसे ठंडा करके छान लें। इस पानी को नियमित रूप से पीने से थोड़े ही दिनों में अपच की दिक्कत दूर हो जाएगी। नंबर 14 और लास्ट, राई को पीसकर पानी में घोलकर पीने से आपका अपच और अजीर्ण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अपच और अजीर्ण की सबसे बड़ी जो वजह है वो बासी खाना है, इसलिए जितना हो सके बासी खाने से बचें और अधिक से अधिक पानी पिएं। इन आयुर्वेदिक उपायों को आप करेंगे तो अजीर्ण की समस्या से निजात पा सकेंगे। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।